आंदोलन, कोई कमेटी इस आंदोलन से बाहर नहीं करी गई, कोई भी संस्था, कोई मौजूद जो व्यक्ति है जिन्होंने आंदोलन को तोड़ने की या हाईजैक करने की, वो इंडिविजुअल है, संस्था कभी बुरी नहीं होती, कभी बुरी नहीं होती। 27 तारीख को आपके ऊपर एलिगेशन लगा, 27 अप्रैल मई को, 27 मई को आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि आप एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चलाते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी में आप अपनी जो नेतागिरी है वो चमकाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन आप 5-6 दफा पहले भी आए हैं, 9 अप्रैल को जो मीटिंग थी उसमें आप मौजूद थे, अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें आप मौजूद थे। क्या इन लोगों को तब दिखाई नहीं दे रहा था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि आप जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं? नहीं, पिछले 5 साल से जानते हैं अच्छे से भाई ने भाई मिले हैं, कई बार आंदोलन ये कर रहे थे रामलीला मैदान पर, यही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, मैं अपनी टीम को लेकर गया, यही लोकतंत्र टीवी वाले हैं, अभी कहीं दिखाई दिए थे, उनको बुलाता हूँ, मैंने उनको पर्सनली बुलाया, तो मेरा नोन है जैसे आप नोन है वैसे वो भी नोन था, उसको बुला करके उसका कवरेज करवाया मीडिया का, वहाँ कोई मीडिया वाला नहीं गया था, और पर्सनली मैं 3,000 रुपये कपिल भाई आपके हाथ में देखा हूँ, मंदिर में सर्जन आकर नहीं देखा हूँ, तो 3,000 रुपये मैंने किसी से कंट्रीब्यूट लिया, आज से 4 साल पहले की बात है। जय हिंद सैनिक भाइयों, ये आपसी विवाद है या इसके पीछे कुछ और है? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 9 अप्रैल 2023 का है, जिस दिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की नींव रखी गई थी और सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर को फेडरेशन का एडहॉक अध्यक्ष चुना गया था, और उसी दिन सभी राज्यों से भी इस एडहॉक कमेटी के सदस्यों के नाम मांगे गए थे। आप इस वीडियो में सभी पदाधिकारियों को देख रहे होंगे, इसमें कपिल फौजी भी हैं, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, एडवोकेट अशोक यादव, एडवोकेट वैष्णव, सैनिक वेलफेयर न्यूज के कैप्टन लोकेंद्र साहब और अतर सिंह दांगी, जिसको हरियाणा की तरफ से एडहॉक कमेटी का प्रमुख चुना गया था, और इस कमेटी के चुनाव का हरियाणा के अध्यक्ष का अनाउंसमेंट सूबेदार वीर सिंह चौहान कर रहे हैं, जो कि बगल में सूबेदार अर्जुन सिंह मीटिंग में शामिल थे। और 27 मई को ऐसा क्या हुआ कि सूबेदार वीर सिंह चौहान, अतर सिंह दांगी और कपिल फौजी के बीच आखिर क्यों बहस हुई? ये सवाल कई दिन से मेरे मन में चल रहा था, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊं और सच्चाई लाऊं। आइए देखते हैं 9 अप्रैल का ये पूरा वीडियो। हाँ, हरियाणा का नाम देखो, मैं राठौर साहब से निवेदन करूंगा, आप कृपया बैठ जाएं, राठौर साहब आप कृपया पर स्थान ग्रहण करें, राठौर साहब अपना स्थान ग्रहण करें, सर राठौर साहब अपना स्थान ग्रहण करें, अपना ये उत्तराखंड से कोई है तो यहाँ पर नाम अंकित कर ले। मैं देखो, अगर अगर आप अपने आप संचालन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप कृपया हमें मौका दें, आप कृपया सभी साथियों को जय हिंद। प्लीज डिसिप्लिन है, मछली बाजार ना बनाए, फौजी है यार, डिसिप्लिन से रहो थोड़ा। प्लीज सुने, अभी मैं हरियाणा की तरफ से आया हूँ और हरियाणा की तरफ से हम लोगों ने डिसाइड किया है श्री अतर सिंह, जो कि हरियाणा प्रदेश का लोग अध्यक्ष रहेंगे, अतर सिंह जी आइए प्लीज, और मैं चाहता हूँ अध्यक्ष हमारे यहाँ हरियाणा से, और आप जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नियुक्ति की है श्री राठौर साहब को, आपकी माना जो है आपकी साहब को, और सेकंड में हमारे कैप्टन सतवीर साहब, कैप्टन सतवीर साहब आइए सर, सेकंड इन कमांड हरियाणा के लोगों ने कैप्टन सतवीर साहब, जो कि एक वकील भी है, एडवोकेट साहब है, हरियाणा की निष्ठा चुकी है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया हरियाणा की तरफ से दो भाइयों को, साथ में हमारी भाई जगजीत सिंह है, आपका सब नाम क्या, कैप्टन रामपाल सती, एडवोकेट अशोक कुमार भी जो है इस टीम में रहेंगे, और कैप्टन रामपाल साहब, ये सारे तो सैनिक भाइयों आपने ये पूरा वीडियो देखा और इसमें बिल्कुल साफ हो गया कि 9 अप्रैल को अतर सिंह दांगी को हरियाणा का अध्यक्ष एडहॉक अध्यक्ष चुना गया था।
आइए सुनते हैं सूबेदार वीर सिंह चौहान इस बारे में क्या कहते हैं। रिपोर्ट लिया, आज से 4 साल पहले की बात है, मैं मदद करता आया हूँ। मैं आज से नहीं 2012 से पॉलिटिकली हूँ, 2012 से पॉलिटिकली हूँ, आज से नहीं हूँ भाई बेटा। और 2018 में उनकी मदद करने गया हूँ आंदोलन में, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर करे थे। हरपाल सिंह था सूबेदार में, जो गोसल साहब था, एडवोकेट वैष्णव साहब था, वैष्णव जी थे, कपिल था, ये सारे के सारे वहाँ पर थे। और मेरे साथ, मैं झूठ बोलता हूँ, वीडियो भी हमारे पास में, कवरेज भी है, और मेरे साथी गए थे, वो भी हैं, मैं उनका भी नंबर शेयर कर सकता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कपिल फौजी को पहले से पता था कि सूबेदार वीर सिंह चौहान 2012 से ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए हुए हैं, जनता ब्रिगेड पार्टी, तो वो अपने आंदोलनों में सूबेदार वीर सिंह की मदद क्यों लेते रहे? हालांकि सूबेदार वीर सिंह का ये भी आरोप है कि जो 20 फरवरी को धरना शुरू किया गया था, उसके लिए भी सूबेदार वीर सिंह चौहान ने कपिल फौजी के लिए वीडियो बनाया था। आइए देखते हैं उस वीडियो को। जय हिंद प्यारे सैनिक भाइयों, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान आज लाइव आया हूं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है, जितने भी मेरे सैनिक भाई हैं पूरे देश के अंदर, आप सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं मिलने वाला। वन रैंक वन पेंशन का जो सेकंड रिवीजन हुआ है, उसके अंदर जितने सबॉर्डिनेट रैंक है, सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक, उनको जिस प्रकार से उनका हक छीना गया है, उनके साथ एक बहुत ही बड़ी ज्यादती हुई है, उसके अंदर प्यारे सैनिक भाइयों, अगर अभी भी आप नहीं निकले मैदानी जंग के अंदर, तो शायद आपको ज़िंदगी में कभी ये भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, और आपको तो खुद ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। अभी 20 फरवरी 2023 को बहुत बड़ा ऐलान किया है जो हमारी एक्सरसमेंट जो एक संगठन है, जिसका नाम है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। हरियाणा से कपिल जो हमारे भाई हैं, कपिल सिलानी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। लगभग 5-6 बार तो रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, तरह तरह के सैनिकों के जो वेलफेयर के पॉइंट को लेकर के, पूरी टीम को लेकर के, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, और मैं सैल्यूट करता हूं कि पूरी टीम को, कि आप लोग सैनिकों के लिए वाकई एक मसीहा का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बेचारे सैनिक पूरे देश में यहाँ वहाँ पर अपने कामों में जो बिजी हैं, रियल टीम आप जो है बधाई के पात्र हैं। मैं सभी सैनिक, देश के सैनिकों से अपील करता हूँ और जगाना चाहता हूँ, यदि अभी भी आप अपने हक के लिए नहीं जागे, तो दलिया पीने वाली फौज हैं आप दलिया पीने के अलावा कुछ भी नहीं करके आए आप। तो मैं चाहता हूं जो कपिल भाई और हमारे जैसे भाई आपके लगे हुए हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, सभी अपने हकों के लिए लड़ें, एकजुट अगर एक मुट्ठी बंद करके अगर लड़ेंगे, तो शायद हमें यकीन है सरकार के घुटने टिका सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर के 20 फरवरी से पूरे हिंदुस्तान के जेशोज रैंक, स्पेशली मैं भी एक सुविधा रैंक हूँ, और सुविधा रैंक में वाकई सही कहते हैं कि हम अपने हकों के लिए लड़े नहीं, आज तो कभी नहीं निकले, हम जो है अपने एक आराम जो जोन है उसी से बाहर नहीं निकलते। इसलिए आप लोगों के साथ अनदेखी हुई है, हमारे साथ अनदेखी हुई है, मैं सभी से अपील करता हूँ, आइए मिलकर के इस सरकार के खिलाफ और जो सिस्टम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। 97% हम हैं, 3% हमारे अधिकारी हैं, और आज वो पूरा का पूरा वन रैंक पेंशन का जो पूरा हिस्सा वो लगे इसलिए, क्योंकि हम सोए रहते हैं, कहते हैं हमारी भाषा में सोए हो की काटे जामती है, यह देसी कहावत है। तो आप सोए रहेंगे तो आपकी काटी जाएंगी, इसलिए मैं कहता हूँ सारे भाइयों को जागने की आवश्यकता है। सारे सैनिक भाई जो संघर्ष कमेटी है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके साथ मिलकर के जितने भी हमारे पूर्व संगठन है, पूर्व सैनिकों के सभी को एक साथ मिलकर के इसके साथ मिलकर के जंग लड़ने की आवश्यकता है। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रतीत हो रहा है जैसे कि इस मुद्दे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए मैं ही जो जिम्मेवार हूँ। मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। इस आंदोलन के आगाज से पहले दिन से कपिल भाई का फोन आता मेरे पास में, चौहान साहब आप अच्छा वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बना के डालिए। जिस भाई को संशय है मैं उसके पास वीडियो डालूंगा, इसमें डल नहीं सकता मैं उसकी, आपके पास में जो भी भाई क्लियर करना चाहता है मैं वीडियो डालता हूं। और मैंने कपिल भाई के पास भेजा, कपिल ने उसका अपना यूट्यूब का जो है बना करके अपना टैग लगा करके उसको पूरा सर्कुलेट किया। मैंने भी अपने जितने भी ग्रुप थे जो पुरुष सैनिकों के पूरा सर्कुलेट किया, यानी कि हमने उस मूवमेंट को एक धार दी। इन लोगों की तारीफ भी करके वीडियो बताएगा, मेरी बात मत मानना, वीडियो बताएगा कितनी तारीख को भेजा है, और मैं अपने वीडियो में अपने मोबाइल में अभी बता सकता हूँ, मेरा मोबाइल है। तो आपने जो है अपना वीडियो है वो बनाकर कपिल फौजी को भेजा, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, हमने भी उनका यूट्यूब चैनल देखा, मैं वीडियो दिखा देता हूं। उस यूट्यूब चैनल पर हमें कहीं नहीं मिला। आपको नहीं मिला? कौन से वाले पे? कपिल फौजी के यूट्यूब चैनल पर आपका वीडियो नहीं मिला। नहीं मिला, ये देखिए देखिए, दिखाता हूँ बेटा, आप देखिए आपको पता चल जाएगा। ये देखिए KAPIL, ये क्या है? कपिल फौजी है। हाँ। कपिल फौजी, ये देखिए, ये मैंने उसको वीडियो बना के भेजा, ये मेरा वीडियो है। हाँ। और ये इसने कपिल ने बाकायदा ये तीनों ये मार्क दिए, ये तीनों इसके ऊपर अंगूठा भी दिखाया, हाथ भी जोड़े, ये दिल का निशान बनाया। हाँ। ये कपिल ने मेरे पास भेजा। और ये वीडियो देखिए क्या लिखा है, देखिए पढ़िए पढ़िए बेटा पढ़िए।
आरोपी 2 रिवीजन 666 सर्कुलर पर सियासी घमासान, सूबेदार ने केंद्र को घेरा, बड़ा हमला। ये टैग लाइन दिए हैं कपिल ने, ये मैंने नहीं दी। जब से ये जो आपसी विवाद चला तब से इन्होंने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन रिमूव वहां से तो कर दिया। अरे भाई सच्चाई को तुम हटा नहीं सकते ना, सच्चाई ये सामने, ये मेरा वीडियो है बेटा दिखाओ, ये वीडियो जनवरी का, उस पर तारीख भी लिखी हुई है। कितने का है? 25 जनवरी को आपने भेजा। 25 जनवरी को, यानी कि 20 फरवरी से पहले भेजा मैंने। ये तो क्लियर साबित है, ये रिकॉर्ड के साथ में 25 जनवरी को मैंने इसके पास में भेजा। कपिल ने मेरे पास फोन किया तब मैंने भेजा, और इस वीडियो से मेरे पास पूरे देश में फोन भी आया कि चौहान साहब आप भी हो, मैं बिल्कुल मैं भी हूँ, क्योंकि दो धरने थे, एक 12 तारीख को था और एक 20 तारीख को था। तो मेरे जानने वाले ने कहा कि आप 20 वाले में या 12 वाले में, भाजी मैं 20 वाले में हूँ, ये बाकायदा लोगों को बताया।